हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एनसीजी एकेडमी ग्वालियर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट जो आप लोगों का वीडियोस था उसमें हमने आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों कंप्लीट करवा दिया था। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट जो आप लोगों का एक्सरसाइज दिया गया है 2.3। तो आप सभी लोग, वीडियो को शुरू होने से पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि जो कुछ भी हम आप लोग करवाते हैं आप ही लोगों की बुक में से करवाते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइएगा, नहीं तो आप लोगों को वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा यदि आपने कॉपी पेन नहीं निकाली। तो लास्ट वाली एक्सरसाइज में यदि आप लोग कोई भी परेशानी होती है तो आप लोगों से मैं बोल चुका हूँ, संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है, आप लोग उसमें आसानी से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का शुरुआत करते हैं। तो इसमें आप लोगों का सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर जो एक दिया गया है 2.4 करके दिया गया है, समीकरण हल करना जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो, दिया गया है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन द बोथ साइड्स। मींस आपका कहने का सीधा सीधा मतलब है यदि आप लोगों का दोनों साइड यदि वेरिएबल की चर राशियां दी गई हो तो इस प्रकार के समीकरणों को इस प्रकार से हल करते हैं, यह आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इस प्रकार के समीकरणों में आप लोगों को कुछ खास नहीं करना है, मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा आप लोगों के लिए वेरी इजी तरीके से और इजी टू इजी आप लोगों को सरल से सरल तरीके से करवाने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो आप लोगों को यदि कोई भी परेशानी होती है तो फिर से बोलना चाहूंगा संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है उसके बेस्ड में आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और ये लिखा हुआ है आप लोगों को 3 + 2x, तो इसमें आप लोगों का वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल आप लोगों को अलग अलग करना है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वेरिएबल क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में आप लोगों को बताया था चर राशि क्या होती है, चर का अपन यदि अर्थ लगाएं चल से, चर का अर्थ लगाएं चल से, तो वे राशियां चलती फिरती रहती है जिनका मान बदलता रहता है, कभी x का मान 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है ना, तो ये सब क्या चर राशियां होती है। मीन्स एक्स वाई जेड टी क्यू आर ऐसे की मान क्या बदलती रहती है। और बात करें यदि अचर राशियों की, मीन्स अचर राशियां आप लोगों का क्या होने वाली है, आप लोगों को दी गई है यदि जो नॉन वेरिएबल राशियां होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन वेरिएबल 1, 2, 3, मीन्स जो ऐसा है वो ऐसा ही है। कभी आपने देखा 3 = 5 हो, नेवर एंड नेवर पॉसिबल। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 में दिए गए हैं। आइए इसको शुरुआत करते हैं किस प्रकार से। इसमें आप लोगों को वेरिएबल 1 साइड करना है, नॉन वेरिएबल 1 साइड करना है। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से दिया गया है, तो ये जब इसको लेकर के आएंगे तो -2x हो जाएगा एंड ये आप लोगों का 3 - 5 हो जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि इसको माइनस करते हैं तो ये आप लोगों का माइनस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस करता है तो एक्स का वैल्यू आप लोगों को 2। तो आप लोगों को इसी प्रकार से फाइंड करना है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, मीन्स वन साइड आपको लेकर के जाना है और आप लोगों को जांच भी करनी है, जांच करनी है कि सही है कि नहीं है। जांच कैसे करते हैं, मैं एक्स का जो मान हमारे पास 2 आया तो इसको यहाँ रख के देखते हैं, तो ये 2 रखेंगे प्लस 5 मीन्स 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखते हैं 3+ और ये रखेंगे तो 4 हो जाएगा, मीन्स ये 7 मीन्स दोनों बराबर आ रहा है, तो आप लोगों का राइट आंसर होगा। आइए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और एक्सरसाइज आप लोगों से क्या कहती है। पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को जो है क्लियर करवाते हुए चलता हूँ, यदि आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप लोग जो है आसानी से पूछ सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द, आप लोगों को इसका रिजल्ट भी फाइंड करना है, मींस चेक भी करना है। तो पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, दिया गया है 3x = 2x + 18 आप लोगों का दिया गया है, सो नो प्रॉब्लम आप लोगों को। अब यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार की मैंने आपको अभी अभी बताया है कि वन साइड वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल, इसको यदि इधर लाते हैं इक्वेशन इक्वल के यदि साइन होता है, इधर यदि संख्या प्लस की है तो इधर आपकी माइनस की हो जाती है, इधर माइनस की इधर जाती है तो प्लस की हो जाती है, नो प्रॉब्लम। देन यदि आप लोगों का इधर प्लस होता है तो इधर जाके माइनस का हो जाता है, यदि संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो इधर आके संख्या क्या है डिवाइड में आ जाती है, ओके। और यदि डिवाइड में यहाँ पर है तो इधर आके उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कहते हैं, तो इस प्रकार से उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप कौन सी क्लास में आ चुके हैं, 8 क्लास में, ये सब चीजें आप लोगों के लिए नॉर्मल होना चाहिए, ओके। तो आप लोग यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का 18 आएगा, यदि इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आप लोगों का x आने वाला है, देन आप लोगों का 18 है, x का मान आप लोगों के लिए कितना आया है 18। अब आप लोगों को फाइंड मींस चेक करना है, आप लोगों को आंसर भी चेक करने के लिए कहा गया है, इसमें आप लोगों को कैसे किस प्रकार से चेक करना है, LHS लेफ्ट हैंड साइड हम यदि हिंदी बताएं तो
बाम पंच, इस प्रकार से देखते हैं। यदि हमने LHS लिया तो ये आपका होगा है 3x, और x का वैल्यू हमको 18 प्राप्त हुआ है, तो 3 इंटू x का वैल्यू हम रखेंगे। इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है चेक द आंसर या उत्तर की जांच, जिससे एग्जामिनर आप एक नंबर नहीं कर सकता। ओके, अब 3 इंटू x आप लोगों का 18 दिया गया है, और ये यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों का 54 आ जाता है। सेम कंडीशन आप लोगों का RHS में फाइंड करना है। RHS आप लोगों को क्या कहता है, RHS दिया गया 2x प्लस 18, तो 2x और प्लस 18 होगा आप लोगों का, और 2 होगा और x का वैल्यू आप लोगों को पता ही है, और प्लस 18 मीन यदि इसको भी गुणा करते हैं तो 18 दुना आप लोगों का 36 और प्लस 18 मीन ये आप लोगों का 54 ही आने वाला है। इस प्रकार से आप लोगों का LHS बराबर है RHS मीन आप लोगों का x का मान सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा जल्द से जल्द, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग अपना फेयर भी तैयार कीजिएगा, जिससे आप लोगों को जो है जो कुछ भी पढ़ाया आप लोगों के नोट होना चाहिए। ओके, या वीडियो को पोस्ट करके आप लोगों को नोट कर लेना है। इसी के साथ मैं आगे जो चलता हूँ, कुछ हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, नोट नहीं करते, फास्ट फास्ट रिवीजन के लिए देखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। इस प्रकार की जो क्लासेस हैं हम आप लोगों के लिए एग्जाम टाइम से जो लाइव लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आप लोगों का जो सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, सेकंड जो क्वेश्चन है आप लोगों से कहता है 5t-3, और आप लोगों का दिया गया है 5t-3 एंड आप लोगों का दिया गया है इसको यदि हम पढ़ते हैं और 3t-5। मेरा आपको क्या है थोड़ा सा अच्छा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा यदि आप लोग हो जाए तो इसको एक बार नोट किए लेते हैं 5t-3 एंड दिया गया है 3t-5। ये हो गया आप लोगों का। अब इसको यदि हम सॉल्व करना शुरू करते हैं ये, तो आप लोगों को फिर इसी प्रकार से वेरिएबल नॉन वेरिएबल वन साइड आप लोगों को करना है, तो 5t और माइनस का 3t और ये आप लोगों का हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 3 हो जाएगा। अब यदि इसको इसमें से माइनस करते हैं तो आप लोगों का 2t आने वाला है, और ये आप लोगों का माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस का 5 आप लोगों को बड़ा है। ये सब चीजें आप लोगों को छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आना ही चाहिए। अब यदि t की बात करते हैं तो मैंने अभी बताया था मल्टीप्लाई में तो 2 × t है ना, तो यदि मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड में हो जाएगा, इसको इससे कट कर देते हैं, माइनस का 1 आप लोगों का आएगा, तो टी का वैल्यू आप लोगों का कितना है, माइनस का 1 आया है। अब यदि आपको आंसर चेक करना है तो टी का वैल्यू यहाँ पर रख के देखना है, यहाँ पर LHS है RHS है, तो मैं आप लोगों को जो है LHS में यदि हम रख के देखते हैं तो 5 टी का मान कितना है, माइनस का 1, और ये आप लोगों का माइनस का 3 मीन्स आप लोगों का होने वाला है -5 -3 होगा आप लोगों का माइनस का 1। बात करें यदि RHS की, तो RHS में आप लोगों से क्या बोला गया है, RHS में आप लोगों से बोला गया 3t-5 तो 3t का मान माइनस का 1 और आप लोगों का माइनस 5 दिया गया, मीन्स -3 और -5 हो जाएगा, ये भी आप लोगों के लिए माइनस का 1 है, मीन्स LHS और RHS आप लोगों का बराबर आ रहा है, मीन्स आप लोगों का t = -1 आप लोगों का राइट आंसर है। ओके, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कुछ भी आप लोगों से कठिन और टफ कुछ स्पेशल आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है 5x, जो आप लोगों से अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्या कहता है 5x + 9, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो को पोस्ट कर लिए और उसको आसानी से नोट कर लेना है, नहीं तो आप लोगों के बहुत सारे यूट्यूब ने फीचर उपलब्ध करवा दिए हैं, जैसे कि आप लोगों की स्पीड हमारी स्लो कर सकते हो, जो ऊपर आप लोगों का 3 डॉट दिया रहता है ना, वहां से आप स्पीड डबल भी कर सकते हो, हमारी स्पीड को स्लो भी कर सकते हो। इस प्रकार से आप लोग वीडियो चला रहे हो तो इस प्रकार से 3 डॉट होंगे, उनके यदि आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आएगा क्वालिटी और नॉर्मल स्पीड, स्पीड क्या लिखा हो नॉर्मल, उस पर यदि आप क्लिक करते हो तो आप लोग इसको आसानी से दोगुनी कर सकते हो, आप लोगों को इम्प्रेशन इसमें नहीं होगी। ओके, यदि आप लोगों को लगता है स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग फास्ट कर लीजिए, यदि आप लोगों को लगता है फास्ट पढ़ा रहे हैं तो स्लो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और उसी के साथ हम आप लोगों को थर्ड वाले जो नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है 5x + 9 आप लोगों का दिया गया है, इसको दिया गया है 5 + 3x। सेम क्वेश्चन वेरी इजी, इसको सॉल्व करते हैं, x वेरिएबल वन साइड करना है, नॉन वेरिएबल वन साइड, चार राशियां एक साइड, चार राशियां एक साइड, चर कौन सी होती है, जिनमें x लगा रहता है वो चर होते हैं, जिनमें x नहीं लगा रहता वो अचर होते हैं। माइनस करते हैं तो आप लोगों का 2x आने वाला है, इसको यदि माइनस करते हैं तो माइनस का 4 आने वाला है, यदि x से हम डिवाइड देते हैं तो माइनस का 4 अपॉन 2 होगा, इसको यदि माइनस करते हैं तो माइनस का 2, मीन्स x का जो वैल्यू आप लोगों का माइनस का 2 प्राप्त हुआ है। अब अपन लोगों को क्या है उत्तर की जांच भी करनी है, तो आप लोगों का x के स्थान पर माइनस का 2 रखना है, तो 5 - 2 और + 9 यदि इसको रखते हैं तो आप लोगों ने
आंसर जब चेक करवा रहा हूँ तो आप लोगों को माइनस का 10 और प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस का 1 आने वाला है। ये आप लोगों का एलएचएस था। अब बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस आप लोगों से क्या कहता है, 5 प्लस 3 और x का मान माइनस का 2 मीन्स आप लोगों का 5 और माइनस का कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 6, इसको भी माइनस का 1 मीन्स आप लोगों का एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो आप लोगों का एक्स का मान माइनस का 2 आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, ये था आप लोगों का थर्ड नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों चीजें बहुत ही आसान है। मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा मन लगा करके मेहनत कीजिए, उसे पढ़िए, कोशिश कीजिए। यदि एक बार नहीं आता तो बार बार देखिए। आप लोगों से कोई फीस की नहीं ली जा रही है ना, आप लोगों को एक बार नहीं आता तो बार बार पूछिए भी, इस बात की भी कोई फीस आप लोगों से नहीं ली जा रही है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों से थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, फोर्थ नंबर का जो आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रहा आप लोगों का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से कहता है 4z प्लस 3। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों से कहता है 4z प्लस 3 इसको शुरू दिया गया है 6 प्लस 2z आप लोगों का दिया गया है। इसमें आप लोगों को इसमें नहीं होना चाहिए। सेम चीजें, चीजें बहुत ही आसान है। आप लोगों को बस फोकस करना है चीजें कह क्या रही है। मैंने आपको एक ही फंडा बताया इसमें, वेरिएबल वन साइड, नॉन वेरिएबल वन साइड, और इसमें आप लोगों के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। बात करें यदि 4z की, इसमें ये वेरिएबल है तो इसको इधर ले आओ, ये 2z हो जाएगा और ये 6 ये चला जाएगा। अच्छा राशि है, नॉन वेरिएबल है, इसको यदि माइनस करते हैं तो आप लोगों को क्या आने वाला है, माइनस कितने पर आने वाला है, माइनस सॉरी 2z आप लोगों को आने वाला है। साथ ही साथ ये आप लोगों को आने वाला है 3, और जो जेड का जो वैल्यू है वो आप लोगों को आने वाला है 3/2। अब आप लोगों का जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप लोगों का जेड का वैल्यू कितना है, 3/2। अब इसका आप लोगों को आंसर भी चेक करना है, इस प्रकार से आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो जेड का वैल्यू आप लोगों को यहाँ रखना है एलएचएस में। एलएचएस आप लोगों से क्या कहता है, 4z प्लस का 3। जेड का मान है आप लोगों का 3/2 एंड आप लोगों का प्लस का 3, इसको यदि माइनस सॉरी काटते हैं तो आप लोग 2 × 2 = 6 प्लस 3 मीन्स आप लोगों का एलएचएस आ गया 9। बात करें यदि आरएचएस के बारे में तो आरएचएस आप लोगों से 6 + 2 z, जेड का वैल्यू आप लोगों का है ये 3/2, ये कट हो जाएगा, ये भी मीन्स आप लोगों का 6 + 3 मीन्स ये भी आप लोगों का 9 आएगा। मीन्स एलएचएस बराबर आप लोगों का आरएचएस दिया गया, तो जेड का जो वैल्यू है 3/2 आप लोगों का राइट आंसर होगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। और आप लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं हम लोग, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और जो है साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध होने वाला है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी परेशान नहीं होना है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसी के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूँ। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी फालतू टाइम जायज नहीं किया जाएगा, सब कुछ आप लोगों को यूजुअली चीजें ही मिलने वाले हैं। कोई भी यदि परेशानी होती है तो आप लोग मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को उपलब्ध है। इसी के साथ अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आप दोस्तों 2x - 1। आप लोगों से क्वेश्चन कहता है 2x - 1 और इसको आप लोगों को दिया -x। कुछ स्कूल वाले क्या है कि कवर चेंज करवा देते हैं तो उससे कोई अंतर होने वाला है नहीं, आप नॉर्मली बुक लगभग एक ही जैसी रहती है। तो आप लोगों को ये भी फंडा होता है, वेरिएबल वन साइड, नॉन वेरिएबल वन साइड में 2x में ये चला जाएगा प्लस का x हो जाएगा और ये है आप लोगों का 14, ये चला जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इसको यदि हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3x और ये हो जाएगा आप लोगों का 14। एक्स का जो वैल्यू फाइंड होने वाला है 14/3 होने वाला है, इसको यदि माइनस करते हैं 3/15, एक्स का जो वैल्यू आप लोगों का होने वाला है 5। अब ये आंसर की जांच कीजिए, उत्तर की जांच को कैसे करना है, एलएचएस, एलएचएस यानी जी वाला पक्ष, 2x - 1 तो मीन्स 2x का वैल्यू है 5 - 1, इसको यदि करते हैं 2 × 5 = 10 - 1 जो आप लोगों का होने वाला है 9 होगा। बात करें यदि आरएचएस की, आरएचएस में क्या होगा 14 - x मीन्स 14 और माइनस के एक्स मीन्स माइनस का सीधा सीधा 5 तो आप लोगों का तो भी 9 आएगा। LHS इक्वल टू आया है आप लोगों का RHS, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। यदि कोई परेशानी हो तो मेरी मानने ना मानने से क्या होगा, आप यदि परेशानी होगी तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है,
आप लोग उस कमेंट को अपने अंदर अंतरात्मा में चल क्या है इस बात को जरूर जाहिर करना। इसी के साथ आप लोग चाहते कि आपको क्या स्पीड ज्यादा है, क्या स्पीड स्लो है, ये सब चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। इसी के साथ आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर भी चलना है, अगला जो क्वेश्चन है। हाँ, एक और आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, आप लोग डिफेंस की क्लास जो स्टूडेंट हमारे अभी से तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, डिफेंस मीन्स होता है आप लोगों को फोर्स में यदि जाना हो 12th पास आउट होने के बाद, तो आप लोग अभी से हमारा चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ बेस्ट एकेडमी, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर होंगे वो आप लोगों को दिए जाएंगे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहूंगा 2 से 3 साल के अंदर हर चीज पर पेड होने वाली है, इस कारण से अभी जो आप बटोर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, कर लीजिए। उसके बाद सब कुछ आप लोगों को यूट्यूब से भी खरीदना ही होगा। इसी के साथ आप लोगों का 6th नंबर भी क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, छोटी छोटी नॉलेज आप लोगों को देता रहता हूँ। आप लोगों को पढ़ना है और सबसे पहले सुबह सुबह उठ के एक छोटा सा टारगेट फिक्स करना है कि आज ये करना है। यदि उस टारगेट को आप लोगों को पूरा दिन, चाहे टारगेट छोटा हो लेकिन पूरा दिन आप लोगों को उस टारगेट को अचीव करने में अपना लगा देना है। इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप लोगों का दिया गया 8x+4 बड़ा, इसको पैकेट से बाहर निकालते हैं, बड़ा अंदर छुप के बैठा हुआ है। अब इसमें कुछ था तो है नहीं, फिर भी अंदर बैठा हुआ था, फिर भी आप लोगों को बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो ये आप लोगों का x प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम जोड़ते हैं तो ये माइनस का है 1, तो ये घट जाएगा और हट जाएगा, तो आप लोगों का x प्लस 6 बचेगा। देन सेम कंडीशन वेरिएबल वन साइड, नॉन वेरिएबल वन साइड, तो आप लोगों का ये होने वाला है 6 - 4। देन यदि आप लोग इसको माइनस करते हो तो 7x हो जाएगा और ये आप लोगों का हो जाएगा कितना 2, और एक्स का जो वैल्यू था आप लोगों का 2/7 आने वाला है। तो इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन दिया है आप लोगों का 6th नंबर का, तो इसमें आप लोगों का थोड़ा सा जो है बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हार्ड हो। मैं आपको बताना चाहूंगा समीकरण की जांच करने के लिए इसमें जो है 8x का भाग देने की बात कर रहे हैं। 6th नंबर के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप लोगों को भी परेशानी हुई होगी, मैं देख रहा हूँ कोई दिक्कत हमसे हो गई है। हाँ, ये गलती हम लोगों से हो गई। आगे मैं बात करता हूँ 6th नंबर के क्वेश्चन के बारे में। 6th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, ये इस प्रकार से दिया गया है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो x और प्लस 4, सबसे पहले हमें ब्रैकेट से बाहर निकालना पड़ेगा 3x - 3 और ये प्लस का 7 हो जाएगा, तो 8x और प्लस का 4 और ये आप लोगों का हो जाएगा 3x, और इसको यदि आप माइनस करते हो तो प्लस का 4 होने वाला है। इसी के साथ ये आप लोगों का होगा 8x वेरिएबल वन साइड, नॉन वेरिएबल वन साइड। तो इस प्रकार से यदि आप करते हो प्लस का 4 और ये आप लोगों का इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, इसको आप करते हो तो 5x² आप लोगों को 0, मीन x का जो वैल्यू होगा 0/5 एंड आप लोगों का होगा 0। ओके, कटने वाला तो है नहीं, सॉरी, आप लोगों को काटना नहीं, क्योंकि कटती वही संख्याएं जो एक्चुअल में कटती है वो काटना नहीं, क्योंकि 0 से किसी संख्या में डिवाइड देते हैं तो ऑटोमेटिक 0 आता है। अब आप लोगों को आंसर चेक करना है, तो आप लोगों को x का जो वैल्यू है कितना पुट करना है, आप लोगों को 0, x का वैल्यू आप लोगों को 0 ही आया है। आइए चेक करते हैं LHS में। LHS आप लोगों से कहता है 8x+4, तो 8 और x की यदि बात करें 0 है और आप लोगों का 4 भी, आप लोगों का 4 ही आएगा, क्योंकि इस कमेंट करते हो तो 0 ही आता है। बात करें यदि RHS की, तो RHS आप लोगों से क्या कहता है 3 × x - 1 और प्लस आप लोगों का दिया गया है 7। x का वैल्यू आप लोगों को 0 है, अब इसी तरह यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3 और प्लस का 7, तो ये आप लोगों का होगा प्लस का 4। परेशानी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन चीजों को समझो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोगों को बस मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों को रेगुलर दोपहर 3 बजे आकर क्लास लेना है, लाइव प्रीमियर ग्रुप में क्लास चलती है, जब आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो उस समय हम आंसर आप लोगों को हाल ही देते हैं। ओके, इसी के साथ आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर भी चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से 7th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाहता है, 7th नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से कहता है क्या, चलते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन की ओर। 7th नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों से कहता है क्या, x² आप लोगों का दिया गया है 4y² और करना है आप लोगों का x+10 करना है। दोस्तों YouTube पर आप लोगों को पढ़ने की बहुत जगह उपलब्ध होगी, बहुत सारे चैनल उपलब्ध होंगे, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा, आप लोगों को किसी भी एक चैनल को, हम ये नहीं कहते हमारे ही चैनल को, आप किसी भी एक चैनल को पकड़ के रखिए तो आप YouTube से कुछ सीख पाओगे, नहीं तो ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी भी तबाह कर सकता है।
यदि आप लोग 8 क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं तो आप लोग सीधा यूट्यूब खोलिएगा और सीधा एमसीजी एकेडमी खोलिएगा और कुछ भी नहीं आप लोगों को सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि आप लोग यदि इसे भटकोगे तो आप लोगों को कुछ भी आप लोग चैप्टर का नाम डालिए आप लोगों के पास हजारों वीडियो आ जाएंगी और आप किस किस को ध्यान में रखोगे। आप लोगों को हमारी जो सामग्री होगी एक जगह उपलब्ध भी होगी और चीजों को आप कहां कहां ढूंढोगे। इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप यदि पढ़ते हो तो कंटिन्यू रेगुलर और एक ही जगह से पढ़ना है। कंटिन्यूटी में बहुत ही ज्यादा पावर होती है। इसको शुरुआत करते हैं तो ये आप लोगों का डिवाइड में दिया गया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सीधा 5x हो जाएगा और इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 4x प्लस 14। इसको इधर लाते हैं तो 5x और ये हो जाएगा माइनस का 4x। वेरिएबल वन वेरिएबल मैंने आपको बताया था एक्स का वैल्यू आप लोग रखना था 14। अब एक्स का वैल्यू आप लोगों को 40 प्राप्त हुआ है। मीन्स आप लोगों को LHS RHS जो है देखना है। LHS तो आप लोगों का एक्स है मीन्स तो 40 होगा। RHS देखना है आप लोगों को। RHS देखते हैं RHS क्या कहता है आप लोगों को। RHS कहता है 4/5 और ये आप लोगों को 40 + 10 मीन्स आप लोगों का 4/5 × 50 हो जाएगा। इसके लिए आप काटते हो 10 × 10 = 40 मीन्स आप लोगों का RHS और LHS के बराबर ही आया। तो इसी के साथ आप लोगों का LHS बराबर होता है RHS होता है तो आप लोगों का जो है x का वैल्यू 14 आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चीजों को समझिएगा। फिर से कोई भी परेशानी हो तो हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं। इसी के साथ अपन कहां थे मैं बता रहा था आप लोगों को, कोई यूट्यूब आप लोगों को एक ही चैनल रेगुलर देखना है, कोई भी जगह जगह नहीं भटकना है। आप लोगों को परीक्षा से पहले हर एक सामग्री आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी परेशानी आप लोगों को हम नहीं मिलने देंगे। जल्दी बोर्ड एग्जाम की क्लासें शुरू होने वाली है, 10th क्लास 11th 12th सब कुछ हमारे चैनल पर उपलब्ध होने वाला है। ओके तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के जाने वाला हूँ। चैनल की सबसे खास विशेषता रहेगी कोई भी फैक्ट्री आप लोगों को इसमें नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। मीन्स हम आप लोगों को कभी भी ऐसे फालतू के लेक्चर नहीं देंगे, ओनली स्टडी टू स्टडी। ये हमारे चैनल की बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश रहेगी। मोस्ट ऑफ चैनल वाले क्या करते हैं बातें करने लगते हैं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। ओके तो आप लोगों से साथ हमारा ऐसा व्यवहार बना रहे हैं इसी के लिए हम ये आगे कर रहे हैं। तो ये आप लोगों का दिया गया है क्या 2x/3 + 1 आप लोगों का दिया 7x/15 + 3। अब आप लोगों को करना कुछ भी नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ वेरिएबल वन साइड एंड नॉन वेरिएबल वन साइड। तो इसको इधर ले लीजिएगा 7x/15। आप लोगों को एक ही फंडा टिकाना है क्योंकि आप हर चीज हर में अलग अलग आओगे कि इनका एलसीएम ले दो, ये कर दो, वो कर दो। आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है क्या वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड। अब आप लोगों उसमें कुछ शक नहीं। तो आप लोगों को देखा होगा यदि आप इनका एलसीएम लेने को जाते हैं, इनका यदि हम एलसीएम लेने को जाते हैं तो आप लोगों का एलसीएम आने वाला है 30। जो आप लोगों का रेशनल नंबर होते हैं उनका आप लोगों को मैं जोड़ घटाना बुरा भाग सब कुछ आप लोगों को मोस्ट ऑफ जो है सॉल्व करवा चुका हूँ। फिर भी आप लोगों को परेशानी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। आप लोगों का ये न्यूमरेटर का एलसीएम हम लेते हैं यहाँ पर तो आप लोग 15 आता है। इसके बाद क्या करते हैं इसका इसमें डिवाइड देते हैं तो 5 टाइम जाएगा एंड 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों का आएगा 10x। समझ में आया। इसका इसमें डिवाइड देते हैं मीन डिनोमिनेटर का जो हमारा एलसीएम आता है उसमें डिवाइड देते हैं, जितनी बार जाता है उसका ऊपर गुणा करते हैं। ये आएगा आप लोगों का 2। ये ऊपर होने वाला है आप लोगों का 3x/15 और ये होने वाला है आप लोगों का 2। इसकी यदि हम बात करें तो 5 टाइम्स कट जाएगा और इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा। एक्स का भी वैल्यू फाइंड होगा आप लोगों को 5 × 10 होगा। एक्स का मान आप लोगों के लिए कितना आ गया 10। अब आप लोगों को चेक भी करना है सही है कि नहीं तो आइए चेक करते हैं। LHS आप लोगों से 2 × 10/3 + का ओपन की बात करता है मीन्स 20/3 और 20/3 आप लोगों का हो जाएगा और प्लस का वन यदि हम करते हैं एलसीएम लेते हैं 3 आएगा, ये आप लोगों का 20+3 हो जाएगा मीन्स 23/3। बात करते हैं इस वाले की RHS की तो RHS को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। RHS आप लोगों से क्या कहता है 7x का मान है आप लोगों के लिए 10/13 और प्लस 3 कट करते हैं 5 × 10 एंड 5 × 3 = 15 और ये आप लोगों का क्या है प्लस में है इस बात को जरूर ध्यान रखना प्लस में है तो ये हो जाएगा 14/3 और प्लस का आप लोगों का है 3/1। एलसीएम लेते हैं तो 3 आने वाला है कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए 14 एंड आप लोगों को पता है किस प्रकार से करते हैं 3 × 3 = 9 यदि आप इसको जोड़ते हो तो 23/3 आप लोगों का RHS आएगा।
मीन्स आप लोगों का LHS इक्वल्स टू आया है आप लोगों का RHS, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि ये सब कुछ आ चुका है तो आप लोगों के लिए आंसर एकदम तय है कि x का जो वैल्यू आपको प्राप्त हुआ है 10 आप लोगों का राइट आंसर होगा। आशा करता हूं चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। मैं एक एक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन विद आप लोगों का जो कुछ भी पूछा जा रहा है हर चीज क्लियर करवा रहा हूं, तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है क्या कहता है आप लोगों से, नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन आप लोगों से कहता है दोस्तों हम आप लोग बताना चाहेंगे जो आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हो, आप लोग कोई भी परेशानी हम नहीं होने देंगे, ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की हमारी कोशिश जारी रहेगी, कोई भी आपको परेशानी हम नहीं होने देंगे ऐसा मैंने आप लोगों को लिए डिसाइड कर दिया है। ओके ये हो गया आप लोगों का, अब बात करें यदि इसकी हम अगला जो नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, नाइन्थ नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से कहता है 2y + 5/3 आप लोगों का दिया गया है 5/3 2y + 5/3 इक्वल्स टू दिया गया है आप लोगों का 26/3 और प्लस आपको दिया गया है माइनस का वाई, सॉरी माइनस का वाई। तो इसमें यदि आपको देख रहा होगा वेरिएबल बदला बदला हुआ है, मीन्स एक्स की जगह वाई आ गया, फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, वेरिएबल वन साइड और नॉन वेरिएबल वन साइड, जैसा कि मैं आपको हर एक सवाल में करवा रहा हूँ 26/3 ये हो जाएगा माइनस का 5/3 ये हो जाएगा आप लोगों का 3y और ये रहा आप लोगों का एलसीएम 3 और 26 माइनस का 5 मीन्स 21/3 मीन्स यदि इसको काटते हैं 7 टाइम्स और y की यदि बात करें तो 7/3 आप लोगों का y आने वाला है, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। y का मान कितना आया आप लोगों के लिए 7/3 और 7/3 की यदि हम बात करें कहां गया नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें आप लोगों को 7/3 है, तो आप 7/3 यहाँ पर रख के देखिएगा LHS में और RHS में आपको चेक भी तो करना है, तो 2 और y का मान आप लोगों का 7/3 दिया गया है और यदि बात करें इसकी तो 5/3 हो जाएगा, ये होगा आप लोगों का 14/3 और ये होगा आप लोगों का 5/3। इसमें आप लोगों को एलसीएम लेना है तो एलसीएम आप लोगों का 3 आएगा एंड 14+5 होगा, तो ये होगा आप लोगों का 19/3 ये आप लोगों का LHS हो चुका है। बात करते हैं कि RHS आप लोगों से क्या कहता है, थोड़ा सा RHS आप लोगों से कहता है 26/3 माइनस का y, y का वैल्यू आप लोगों को क्या 7/3 प्राप्त हुआ है, एलसीएम लेते हैं इसका और 26 माइनस का 7 होगा, तो मीन्स आप लोगों का सीधा सीधा 19/3 मीन्स LHS और RHS आप लोगों का बराबर है, देन आप लोगों का जो y का वैल्यू है 7/3 आप लोगों का राइट आंसर होगा। आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई भी परेशानी हो तो फिर भी आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स हाजिर है और हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना आप थोड़ा सा हमको भी एक्टिव दिखना चाहो तो थोड़ा और पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा मेहनत जरूर कीजिएगा। अगला जो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, 10th नंबर के क्वेश्चन में आपको लेकर भी चलता हूं, 10th नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से कहता है दोस्तों ये रहा आप लोगों का 10th नंबर का क्वेश्चन, कहां गया आप लोगों का 10th नंबर का क्वेश्चन, 10th नंबर के क्वेश्चन के मैं आपको लेकर भी चलने वाला हूं। 10th नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों से कहता है क्या 3m इसको दिया गया है, 10th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों का दिया गया है 3m इसको 5m माइनस का 8y5 रेगुलर बिना कुछ सोचे दोपहर 3 बजे आप लोगों को आ जाना है और यदि आप नहीं देख पाते हो तो आप लोगों को जब भी टाइम मिलता है आप लोग MCG अकेडमी को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए आप लोगों को ऊपर ही मिल जाएगा 8th क्लास की जो सभी बुक्स उपलब्ध होंगी, साथ ही साथ जो मैथ्स मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, संकेत सर के द्वारा साइंस पढ़ाया जाता है और हाल ही में आप लोगों के लिए सोशल साइंस इंग्लिश की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही साथ आप लोगों को सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पर उपलब्ध होने वाले हैं। एक ही फंडा है क्या, एल जो आप लोगों का दिया गया है इनको एक साइड और इनको एक साइड, वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड, तो 3m माइनस 5m इसको टू हो जाएगा माइनस का 8/5 इसको यदि माइनस करते हैं तो माइनस का 2m आने वाला है और ये होगा आप लोगों का 8/5 माइनस माइनस आप लोगों का बढ़ जाएगा 2 से यदि इसको काटते हैं 2 4 8 हो जाएगा m का जो वैल्यू है आप लोगों का 4/5 है, ये आप लोगों को मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा तो भी कटेगा तो आप यहीं से काट दीजिए नो प्रॉब्लम, m का वैल्यू आप लोगों को 4/5 फाइंड हुआ, m का वैल्यू आप लोगों को LHS में रखना है, LHS आप लोगों से क्या कहता है 3m तो 3 × 4/5 3 × 4 = 12/5 आप लोगों का दिया गया है। अब बात करते हैं यदि RHS की तो RHS आप लोगों से क्या कहता है 5m माइनस का 8/5
मीन्स 5 m का वैल्यू आप लोगों का 4/5 है, माइनस का 8/5 है, 8/5 इससे कट जाएगा तो 4 आप लोगों का होने वाला है ये रहा, और 4/1 और मीन्स 8/5 होगा। तो यदि आप इसका एलसीएम लेते हो तो कितना आने वाला है, एलसीएम आएगा आप लोगों का 5, और 5 एलसीएम आता है तो ये आप लोगों का हो जाएगा 5×20 और माइनस का 8। यदि आप माइनस करते हो तो ये आपका आने वाला है 12/5। मीन्स ये आप लोगों का RHS और LHS, मीन्स LHS बराबर RHS आप लोगों का है तो आप लोगों का M का मान 4/5 आप लोगों का राइट आंसर होगा। आशा करता हूं सारे 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। यदि आप लोगों को फिर भी कोई परेशानी है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। साथ ही आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जल्द से जल्द हम आप लोगों के लिए प्रोवाइडेड बढ़ाते जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज की भी तैयारी चल रही है, मीन्स बेस्ट ऑफ बेस्ट देने के लिए आप लोगों को सब कुछ किया जा रहा है। इसी के साथ यदि आप लोग वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है कि आप लोग घर बैठे ही पढ़ सकते हो। इसी के लिए हम आपका आभार।